पूरा रूप से मिल रहा है तो खुश होना है। हम एक उनका एडवाइजर भी है पशुपालन का और हमारा मछली पालन का, तो हम लोग उसको पूरा फैसिलिटी दे रहा है और ऐसा सरकार कभी होता भी नहीं था पहले। 30 व्हीकल्स थ्रू आउट द स्टेट में जाएगा, स्पॉन्सर नहीं है, ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में कॉल सेंटर बना रहा है, जहाँ सा भी टेलीफोन कॉल आएगा कि एनिमल का प्रॉब्लम्स है तो स्पॉन्टेनियसली उन लोग रेस्पॉन्स करके वो गाड़ी जाएगी वहाँ, तो ऑपरेशन वगैरह करना भी है तो गाड़ी में ही कर लेगा। इसका ड्राइवर्स का या मेंटेनेंस का सब आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट से करेंगे। देखिए अरुण डायरी का हमारा यहाँ में मिल्क फेडरेशन का एक बोर्ड बना हुआ है, तो मिल्क फेडरेशन का बोर्ड कई सालों से सही ढंग से चला नहीं है, जिसको हम लोग रिवाइव करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिल्क सप्लाई करता है बाकी स्टेट में भी, वो स्टेट वेटनरी का एनिमल से ही सिर्फ नहीं करते हैं, तो इसमें जितना गोरू पालने वाला है उन लोग कोऑपरेटिव बेसिस में चलाता है, तो वो कोऑपरेटिव फॉर्म करने के लिए अभी भी हम लोग जोर जोर से लगा हुआ है। जिस दिन फॉर्म होके आएगा तो बहुत बढ़िया से चलने लगेगा। और इस गाड़ी का अंदर में हमारा एक तो मिनी ओटी होगा ऑपरेशन थिएटर, और उसके साथ में हम लोग जहाँ मतलब एनिमल हेल्थ कैंप करते हैं वहाँ जाने से सब ड्रेसिंग वगैरह ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके साथ में हमारे जो AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके लिए भी प्रोविज़न है। लिक्विड नाइट्रोजन का एक मिनी क्रायोकेंट्स है उसमें, तो उसमें हम लोग स्टोर रखेंगे और जहाँ कॉल होगा वहाँ जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे। और साथ में हमारा एक कॉल चैम्बर भी है जिसमें हम लोग अपना वैक्सीन रख सकता है, तो कहीं दूर में जाना होगा वैक्सीनेशन करना होगा तो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए एक प्रोविज़न भी है। सर क्या क्या कौन कौन से कैटल्स को इसमें ट्रीट किया जाएगा? इसमें हम लोग का सब लाइव स्टॉक जितना है, आपका बेर बकरी बोलिए या आपका गाय भैंस बोलिए या मिठुन बोलिए, सब सब जानवर के लिए है। उसमें डेडिकेटेड एक डॉक्टर होगा, एक स्टॉक मैन होगा, उसके साथ एक ड्राइवर होगा, ये तीन होगा। और इसका जो है हम लोगों का ये जो है ये 100% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनली व्हीकल, लेकिन ये जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जैसा मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल या ड्राइवर का पेमेंट, डॉक्टर्स का पेमेंट, ये शेयरिंग सिस्टम में है। जैसे बाकी स्टेट में 50:50 है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90:10 है, तो स्टेट से 10% बियर करना है और सेंटर से 90% देगी। तो वो जगह में हम लोग का इसलिए हम लोग दो प्रकार का व्हीकल खरीदा है, एक जो है बड़ा वाला जो फोर्स मोटर से हम लोगों ने लिया है मीडियम व्हीकल है, तो दूसरा है लाइट मोटर व्हीकल जो हम लोगों ने बोलेरो खरीदा है। तो बोलेरो जहाँ तक जा सकेगा एक्सेसिबल मोटरेबल रोड तक जाएंगे, तो वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा जो टीम है वो और पैदल मार के भी ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे।